हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल कोचिंग विजय में। डियर स्टूडेंट, आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम बहुपद पॉलिनोमियल है, का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुपद से रिलेटेड सभी जानकारी प्रदान की जाएगी। यह बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार का होता है का बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में कराया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को भली भांति ध्यानपूर्वक देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा आज का अध्याय है बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। चैप्टर के अकॉर्डिंग जो बहुपद है उसकी डिफिनेशन हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद की डिफिनेशन है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अब जान लेते हैं कि चर क्या होता है। तो चर ऐसी राशि जिसमें दिए गए समीकरण के अनुसार उसका मान बदलता रहता है, क्या होता है, चर होता है। चर मेनली एक्स वाई जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो डिफिनेशन क्या है, ऐसी बीजीय व्यंजक जिनमें चर के घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। अब अगली हेडिंग है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। ये क्या होता है, किसी दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। आपको एक बहुपद दिया होगा, बहुपद को आप देखेंगे कि चर जो होगा, यदि हमारा बहुपद x है तो x की घात देखेंगे, यदि हमारा बहुपद y में दिया है तो y की घात देखेंगे। तो आपको बहुपद की घात अगर आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, चर की मैक्सिमम घात को देखेंगे। तो जो मैक्सिमम घात होगी हमारा वो क्या होगा, बहुपद की घात होगी। तो आइए समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4x+7 ये हमारा बहुपद है या नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। तो डिफिनेशन के अनुसार ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो इसमें चर क्या है, चर हमारा है क्या, यक्स। यक्स की घात को देख लेते हैं, यक्स की घात हमारा क्या है, एक है। तो एक क्या है, हमारा पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। ठीक है दोस्त, बहुपद है ये हमारा, ठीक है। अगर बात करते हैं बहुपद की घात, तो घात क्या हो जाएगा हमारा, चर यक्स की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है, एक है, तो घात हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x² + 7x - 5, ये बहुपद है या नहीं, तो हमें क्या देखना है, चर यक्स, यक्स ये है हमारा चर यक्स, इधर भी हमारा क्या है, चर यक्स, चर यक्स, यदि हमारा क्या हो, जो घात दी हो वो क्या हो, हमारा पूर्ण संख्या हो। यदि चर यक्स की घात पूर्ण संख्या होगा तो हमारा वो बहुपद होगा। तो इसमें घात क्या है, दो है, और यहाँ पे घात क्या है, एक है, दो और एक जो कि है पूर्ण संख्या, तो हमारा क्या है, ये बहुपद होगा, बहुपद होगा। और साथ ही साथ इसकी घात क्या होगी, चर यक्स की अधिकतम घात, इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, √2x³-4√x+4। अब देखते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, चर देखना होगा। चर इसमें क्या है, यक्स है, यक्स की घात क्या है, तीन है, लेकिन यहाँ चर जो है ये क्या है, इस पर अंडर रूट लगा हुआ है। तो मतलब अंडर रूट लॉ क्या होता है, इसकी पावर क्या है, 1/2 है। तो 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं है, ठीक है। लेकिन घात की बात करते हैं तो घात क्या है, इसकी चर की अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, चर की, मान लीजिए चर क्या है, चर यक्स होगा, चर यक्स की घात क्या होगा, हमारा
ऑलवेज वन होगा। चर यक्ष की घात क्या होगा हमारा, वन होगा, तो वो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। यदि कोई बहुपद दिया हो, यदि उसमें चर यक्ष की घात क्या हो, एक हो, यदि बहुपद यक्ष में दिया है तो यक्ष की घात देखेंगे, यदि बहुपद वाई में दिया है तो वाई देखेंगे। तो चर यक्ष की घात क्या होगा, एक होगा, तो हमारा क्या होगा, वो बहुपद होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3x+2, ये क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें चर यक्ष की घात क्या है, एक है। 4x-7, इसमें चर यक्ष की घात क्या है, एक है, तो ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। 3x+8, ये क्या हमारा है, रैखिक बहुपद। तो चर यक्ष की अधिकतम घात जिसमें एक हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये क्या हमारा 4x, ये भी क्या हमारा, रैखिक बहुपद है। अब बात करते हैं हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ऐसा बहुपद जिसमें चर यक्स, ऐसा बहुपद जिसमें चर यक्स की अधिकतम घात क्या हो, दो हो, चर यक्स की अधिकतम घात दो हो, तो हमारा क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर यक्स की अधिकतम घात क्या हो, दो हो, हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं 2x2+4x+7, ठीक है। इसमें देखते हैं चर यक्ष, जो चर यक्ष है इसमें अधिकतम घात क्या है, दो है। तो दिए गए बहुपद में यदि चर यक्ष की अधिकतम घात दो होगी, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यदि 3+2x+x2, ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, हमें चर देखना है, चर यक्ष की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो क्या होगा हमारा, द्विघात बहुपद होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में यदि 2x2-7x+5, ये क्या है हमारा, द्विघात बहुपद है। तो आपको ध्यान देना है, चर यक्ष की अधिकतम घात जिसकी दो होगी, वो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या है, जैसे 2-x2, ये क्या है हमारा, द्विघात बहुपद है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिसमें चर यक्ष की अधिकतम घात क्या हो, दो हो, वो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद। अगला एग्जाम्पल है 4z2+1/7 इत्यादि, ये क्या हमारे, द्विघात बहुपद है। मान लीजिए अगला है क्या हमारा, त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलीनोमियल, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर, ऐसा बहुपद जिसमें चर यक्ष की जो अधिकतम घात होगी, वो क्या होगी, तीन होगी। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर यक्ष की अधिकतम घात तीन हो, वो कहलाता है हमारा त्रिघात बहुपद। चर यक्ष की अधिकतम घात क्या हो हमारी, थ्री हो, तो हमारा क्या होगा, वो त्रिघात बहुपद होगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मान लीजिए 3x³-2x²+x-1। तो आपको ध्यान देना है, चर यक्ष की अधिकतम घात, जो चर यक्ष होगा उसके अधिकतम घात है तीन है, तो हमारा क्या होगा, वो त्रिघात बहुपद होगा। अगली हेडिंग हमारी है रैखिक बहुपद का शून्य,
यदि आपको एक रैखिक बहुपद दिया हो तो उसका शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो मान लेते हैं, माना एक हमारा रैखिक बहुपद क्या है, माना रैखिक बहुपद ax प्लस बी है, ठीक है, जिसका अगर हमें शून्यक फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं माना px बराबर ax प्लस बी, पी एक्स क्या कर देंगे, जीरो के बराबर। जब शून्य फाइंड करना हो तो पी एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर कर देंगे, तो ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। तो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद का शून्य एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो हम क्या करेंगे, रैखिक बहुपद का शून्य हमारा हो जाएगा क्या, माइनस बी बाई ए। तो रैखिक बहुपद का शून्यक लिख देंगे हम लोग, रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बाई ए। अगली हेडिंग हमारी है कि बहुपद के शून्य का ज्यामिति अर्थ। तो जो हमारा बहुपद दिया होगा उसका हम शून्य निकालेंगे, मतलब यक्ष का मान निकालेंगे। सिंपल तरीके से निकालते हैं तो यक्ष का मान क्या आता है, और यदि ज्यामिति विधि से निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालते हैं, तो हमारा यक्ष का मान क्या होता है, आइए हम उसको फाइंड करते हैं। मान लेते हैं, माना हमारा क्या होगा, एक बहुपद मान लेते हैं कि बहुपद क्या है, पी यक्ष बराबर टू यक्ष प्लस थ्री। अगर हम सिंपल वेव निकालते हैं तो क्या होगा इसका मान, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो टू एक्स प्लस थ्री बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, और एक्स क्या हो जाएगा, माइनस थ्री अपान टू। ये हमारा था क्या, तो बीजगणितीय मेथड या सिंपल मेथड से, तो क्या आया हमारा शून्य, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अपान टू आ गया। अब इसी को हम निकालते हैं किससे, ज्यामिति मेथड से। तो हमारा शून्य क्या होगा उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, तो लिखेंगे पहले यहां लिखेंगे एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, y। y हमारा क्या रहेगा, दिया y इक्वल टू मान लीजिए टू एक्स प्लस थ्री है। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मान पुट करेंगे। यदि x का मान कितना रखते हैं, एक, यदि x का मान क्या रखते हैं, माइनस टू रख देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, क्या करेंगे हम, x का मान रखते हैं माइनस दो, माइनस दो गुणते दो माइनस चार में प्लस वन करेंगे, क्या आएगा हमारा, माइनस वन आएगा। क्या करते हैं, जब यक्स रखते हैं कितना, हम माइनस दो, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई माइनस टू प्लस थ्री। वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस फोर प्लस थ्री, वाई कितना हो गया, माइनस वन हो गया, ठीक है। अब और एक मान रख लेते हैं, यदि यक्स इक्वल टू रख देते हैं क्या हम, दो, तब तो वाई कितना आता है, तो y इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 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 जा फोर प्लस थ्री, तो y कितना हो जाएगा, सेवन, ठीक है। जब x का मान रखते हैं दो, तो y कितना आता है, सेवन। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ का क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, शो कर देंगे। ग्राफ पर शो करने के बाद ये देखते हैं कि ग्राफ से हमारा x का मान क्या आता है। जबकि सिंपल वे तरीके से निकालते हैं तो यक्स का मान माइनस थ्री अपॉइंट टू आता है, जब ग्राफ मेथड से निकालते हैं तो यक्स का मान कितना आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा निर्देशांक क्या आ गया, बिंदु के निर्देशांक माइनस टू कामा माइनस एक और दो कामा सात। इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो ग्राफ पर हमें क्या शो करना है, माइनस दो कामा माइनस एक, पर इसको हम शो कर देते हैं पहले। ये क्या होगा, ऊपर क्यों हमारा चलता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारा क्या है, प्लस एक्स का निर्देशांक, इधर क्या है, माइनस एक्स, ऊपर क्या होगा, प्लस वाई, और नीचे क्या होगा हमारा, माइनस वाई, ठीक है।
इधर क्या होगा हमारा माइनस एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर, इधर क्या होगा प्लस माइनस वन माइनस टू। अब हमें ग्राफ पर क्या शो करना है कि माइनस दो का माइनस एक, ये क्या है माइनस दो है तो कहाँ आएगा, ये यहाँ माइनस दो और माइनस एक यहाँ पे, मतलब कहाँ होगा यहाँ पे होगा माइनस दो का माइनस एक, दो कामा सात, दो यक्स पे प्लस दो, यक्स प्लस दो और वाई कितना सेवन, ये हमारा क्या है सेवन, तो कहाँ होगा करीबन यहाँ, ये क्या है दो कामा सात है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम लोग मिला देंगे, माइनस सॉरी ये हमारा बिंदु क्या है माइनस दो कामा माइनस एक है, माइनस दो ये है और माइनस एक क्या है दोस्तों फ्रेंड्स ये माइनस वन के हमारा नीचे है, तो क्या होगा ये माइनस दो कामा माइनस एक और दो कामा क्या है सात। इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं, तो ग्राफ खींचने पे कहाँ पे आएगा, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारा यक्स अक्ष को कहाँ पे कट किया है, छेद किया है यहाँ पे, माइनस दो का माइनस एक है तो इसके मिड में क्या हो सकता है माइनस थ्री अपॉन टू या 1.2, तो क्या होगा माइनस थ्री अपॉन टू और वाई वैल्यू क्या होगी इसमें जीरो होगी, तो जो हमारा शून्य होगा वो क्या होगा यहाँ से क्या है माइनस थ्री अपॉन टू है और ज्यामिति मेथड से क्या है यक्स का जो शून्य है वो कितना आया है माइनस थ्री अपॉन टू आया हुआ है। डियर स्टूडेंट अगली हेडिंग हमारी है शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरो। अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, इस ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे शून्यकों की संख्या, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा ग्राफ होगा यदि वो यक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा वो क्या होगा हमारा शून्यकों की संख्या होगा। यक्स अक्ष को वाई अक्ष पे ही यक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे कट करेगा प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा वो हमारा क्या होगा नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या होगा। तो देख लेते हैं पहला ग्राफ क्या है, ये हमारा यक्स अक्ष है, क्या किया एक पॉइंट एक बिंदु पर क्या किया प्रतिच्छेद किया है, ये हमारा वाई अक्ष है तो इसको इससे मैं कोई मतलब नहीं, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी इसमें एक हो जाएगी वन। इसको देख लेते हैं ये हमारा यक्स अक्ष है तो एक और दो, दो स्थान पे क्या किया है ये कट किया है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दो हो जाएगी। इसको देख लेते हैं ये यक्स अक्ष हमारा है कितने प्लेस पे की है कितने पॉइंट पे कट किया है वनली वन, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी एक हो जाएगी। मेनली आपको ये ध्यान देना है कि यदि ग्राफ में पूछा जाए शून्यकों की संख्या तो हमें यक्स अक्ष को ध्यान देना है, यदि हमारा जो ग्राफ है यक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे कट करेगा वो हमारा क्या होगा शून्यकों की संख्या होगा। शून्यकों की संख्या इसी बेस पे हमारा क्या है एक्सरसाइज 2.1। आइए इसके क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 अभ्यास 2.1। अब ये क्या कह रहे हैं द ग्राफ, मतलब कि इंग्लिश ये है हमारा कि जो दिया गया ग्राफ है इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं, जो हमारा ये ग्राफ दिया है ये हमारा ये सीधी लाइन दे दिया है, इसमें हमारा जो वो कि यक्स अक्ष को एक भी स्थान पे कट नहीं कर रहा है एक भी प्लेस पे कट नहीं कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा जीरो होगा। सेकंड देख लीजिए, जो हमारा ग्राफ है वो यक्स अक्ष को क्या करता है एक पॉइंट पे कट करता है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा ग्राफ है ये क्या करता है एक यहाँ पे कट किया उसके बाद ये घूम कर आया फिर यहाँ पे कट किया दो इसके बाद ये रिटर्न हो गया तो क्या हो गया तीन, तो तीन पॉइंट पे कट किया है यक्स अक्ष को तो क्या होगा शून्यकों की संख्या थ्री हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा यक्स अक्ष है यक्स अक्ष को जो हमारा ग्राफ है ये एक पॉइंट ये दो कितना किया है दो पॉइंट पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। इसी प्रकार पाँचवा नंबर क्वेश्चन, ये जो हमारा ग्राफ है वन टू थ्री फोर यक्स अक्ष को चार पॉइंट पे कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा फोर।
इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, इसमें क्या होगा, शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। मेनली आपको यही ध्यान देना है कि जो हमारा ग्राफ है यक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे कट करेगा वो क्या होगा, हमारा शून्यकों की संख्या। इस प्रकार हमारा बहुपद का बेसिक चैप्टर और एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो चुका है। थैंक्स।